नमस्कार दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बताया है कि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन की परमिशन क्यों ज़रूरी है, और अगर आपने बना बनाया घर लिया है तो जो घर बना बना बनाया आपने लिया है उस पर ऑलरेडी जिसने भी वो बनवाया था तब कंस्ट्रक्शन की परमिशन ली थी तो वो क्यों ज़रूरी है। होम लोन में आखिर कंस्ट्रक्शन की परमिशन क्यों आपको ज़्यादा बेनिफिट रहती है। देखो, घर हर कोई बनवाता है, हर कोई अपने हिसाब से स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाता है, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड अनुसार आपको कुछ मापदंड फॉलो करने होते हैं। अगर आप वो मापदंड पूरी तरीके से फॉलो करते तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलती है इसकी। अब घर भवन निर्माण हिंदी में कहा जाता है, तो इसकी परमिशन कौन देता है। मान के चलिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी देगी, जयपुर में अगर आप रह रहे हैं तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी देगी, अगर आप मुंबई में रह रहे हैं तो MMRDA देगी। मतलब यह, जिस शहर में भी आप रह रहे हैं वहाँ पर जो भी ऑथराइज है, नगर पालिका ऑथराइज है तो नगर पालिका देगी। तो आपको वहीं से ही भवन निर्माण की अनुमति ज़रूर ले लें, और अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो पहले पता कर लें कि उस व्यक्ति ने भवन निर्माण की परमिशन ली थी या नहीं ली थी। अगर मान के चलिए आपको अप्लाई करना है भवन निर्माण की परमिशन के लिए, तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको परमिशन मिल जाए उसके बाद आप अपनी बिल्डिंग का काम शुरू कर सकते हैं। अब मान के चलिए किसी वजह से आपको परमिशन नहीं मिलती, या फिर आप एक ऐसा घर ले रहे हैं जिस पर कि कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं है, तो उसका क्या नुकसान होगा कि एक तो कि आपका घर इल्लीगल माना जाएगा और वो कभी भी तोड़ा जा सकता है। अगर मैं जयपुर की बात करूँ, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो अगर कोई घर बना रहा है और उसने परमिशन नहीं ली और उसकी अगर शिकायत कर दी जाती है तो उसका घर JDA वाले तोड़ के चले जाते हैं, और अगर यदि आपने घर बना लिया है तो उस पर सील लगा के चले जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप होम लोन लेने जाएंगे किसी के पास भी और आपके पास कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं है तो सरकारी बैंक तो आपको लोन देंगे नहीं, और अगर प्राइवेट बैंक वाले भी देंगे तो उसमें से जो टॉप क्लास के प्राइवेट बैंक है वो नहीं देंगे, आपको NBFC से लेना पड़ेगा और वहाँ आपको होम लोन की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पड़ेगी। मतलब बिना कंस्ट्रक्शन परमिशन के आपको 12-15 रेट इंटरेस्ट रेट पड़ सकती है होम लोन की, और अगर यदि कंस्ट्रक्शन परमिशन होगी तो वही चीज़ आपको 7.5-8% पे ईजिली मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप भी पैन इंडिया हमें लोन की फाइलें रेफर कर सकते हो, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन की, और हम आपको 2% तक का कमीशन देते हैं लोन अमाउंट डिसबर्स होने के बाद। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि SBI होम लोन के बारे में, वो देखने के लिए आप ऊपर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।